और इसी बीच आज की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने एक बार फिर बीजेपी के सामने 2 सीटों की डिमांड रख दी है। उन्होंने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी से 2 सीट की मांग की है। साथ ही कटेहरी और मझवा विधानसभा सीट पर जीत का दावा भी किया है। हालांकि बीजेपी इस चुनाव में खुद 9 और आरएलडी को सिर्फ 1 सीट देने के मूड में है। उपचुनाव जो है कटहरी और मझवा निषाद पार्टी ने सिंबल पर लड़ी थी, एक जीती थी और एक कम वोटों से हारी थी। हम दोनों सीटों जीतने की तैयारी है, जिसमें 8 जो 10 सीट है वो एनडीए के साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे और उसकी तैयारी और अगली रणनीति पर चर्चा होगी। और इसका कार्यक्रम हमेशा, चूँकि केंद्रीय कार्यालय निषाद निर्बल इंडियन सोशलिस्ट हमारा दल का गोरखपुर था, हमेशा ही कार्यक्रम होता, पहली बार इसे लखनऊ में क्या नाम है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 2027 से पहले सियासतदानों को तनाव दे चुका है, राजनीतिक पार्टियों पर खुद को साबित करने का दबाव बन चुका है। ऐसे में हर तरफ मीटिंग मंथन और सीट शेयरिंग का समीकरण सेट होने लगा है। सपा ने 10 में से 6 सीटों पर पर्यवेक्षकों की घोषणा की है, जबकि 4 सीटों पर निर्णय अभी भी बाकी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बची हुई 4 सीटें हैं वो कांग्रेस को मिल सकती हैं। जहां बीजेपी के सहयोगी अपने प्रत्याशियों को दंगल में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अंदरखानी सीट शेयरिंग पर टेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि एक तरफ एनडीए के सहयोगी संजय निषाद 1 से 2 सीट पर लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही मेलो ड्रामा विपक्षी खेमे में भी है। हमारे कटहरी विधानसभा है और मझवा विधानसभा 2 है, अपने सिंबल पर लड़ने का उस दिन जो प्रभारी लोग हैं उनको घोषित किया जाएगा और जो और 8 सीटें हैं अलायंस के नाते एनडीए के, उस पर भी हम कुछ प्रभारी नियुक्त करेंगे, जो जाकर हमारे वोट बैंक हैं उसे हम एनडीए के साथ मिलकर जीत दर्ज कर। नहीं, हम आपस में बैठ के बातचीत करके और पूरा एनडीए परिवार संगठित होकर, हम लोकसभा चुनाव में भी लड़े हैं, विधानसभा की 10 सीटों पर हम संगठित होकर सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहां तक गठबंधन से सीटों वाला विषय है वो केंद्रीय पार्टी तय करेगी, जैसा केंद्रीय पार्टी और हमारे गठबंधन दलों के साथ बातचीत पर सहमति बनेगी, हम सब मिलकर पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जाएंगे। एनडीए गुट में ही नहीं, इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर खिचड़ी पक रही है, क्योंकि कांग्रेस 50-50 फॉर्मूले पर काम कर रही है। कांग्रेस 5 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है, जहां एसपी की हार उन 5 सीटों की डिमांड कर चुकी है। इस बीच सभी 10 सीटों पर कांग्रेस के पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, यानी इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर मामला तनावपूर्ण होने वाला है, क्योंकि फॉर्मूला 50-50 का लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, कुछ विधानसभा में प्रभारी अभी नियुक्त होने बाकी हैं। समाजवादी पार्टी की पीडीए की सूची भी तैयार है, जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी पीडीए के प्रत्याशी वो सामने आ जाएंगे। पीडीए के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए। दूसरे दलों की क्या तैयारी है वो दूसरे दल बताए, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन मिल के इस चुनाव को लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है कि 6 और 4 और 10 का मसला नहीं है, इंडिया गठबंधन 10 पर मिलकर चुनाव लड़ेगा। याद करिए जनवरी और फरवरी जब इसी तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि साहब क्या होगा, हमने सीटें भी तय कर ली एमिकेबली, हम मिलकर चुनाव भी लड़े और जनता ने हमें अपना मैंडेट भी दिया, तो फिर हम अपनी सीटें तय कर लेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। एक तरफ इंडिया गुट में सीट शेयरिंग पर बात अटकी हुई है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर दबाव की राजनीति को नया एंगल दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा, अफसरों को हटाने का नाटक चल रहा है, बीजेपी यूपी में चाहे जितना नाटक कर ले, बीजेपी को हारने से कोई रोक नहीं सकता, उपचुनाव में बीजेपी की हार तय है। दरअसल समाजवादी पार्टी के लिए 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव बहुत मायने रखता है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ये साबित करना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतना कोई तुक्का नहीं था, तो बीजेपी इस उपचुनाव में क्लीन स्वीप के जरिए लोकसभा के परिणाम का जवाब देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। द कन्नौज रेप कांड में एसपी नेता नवाब सिंह यादव का नाम आने के बाद अखिलेश यादव ने बगैर किसी का नाम लिए तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल कन्नौज बहुत
हेडलाइन में है और इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद। डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, ये कहना है उनका। जब वो लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव, आइए आइए, ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ के हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूँगा उनको मत भूलना, और हम लोग भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाम तो और भी पढ़े जाने चाहिए थे। नाम और क्यों नहीं पढ़े गए? नाम तो और पढ़े जाने चाहिए थे, केवल दो ही नाम पढ़े गए। इधर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि कई स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा, बलिया के लड़के को मेडिकल और फिजिकल पास करने के बाद भी अग्निवीर की नौकरी नहीं मिली, वो मदद मांगने मेरे पास आया, जब हम सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मैं इस नौजवान को इसलिए सम्मानित कर रहा हूं, ये नौजवान वो है जो अग्निवीर की फिजिकल टेस्ट और मेडिकल कर चुका है, लेकिन इसको नौकरी फौज की नहीं मिली है। मैं इस नौजवान के सहारे आज के दिन में ये तमाम नौजवानों को जो पुलिस भर्ती में समय समय पर जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक्स के पदक वीरों से मुलाकात की, पीएम ने उन्हें लंच पर बुलाया था। ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात कर पीएम मोदी ने जीत के लिए इन्हें बधाई दी और भविष्य के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। भविष्य के मैचेस के लिए मनु भाकर ने पीएम मोदी को पिस्टल सौंपी है तो रेसलर अमन ने जर्सी सौंपी। इससे पहले लाल किले से संबोधन में पीएम ने पेरिस ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीट्स का जिक्र किया और मेडल जीतकर लौटे उन सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। ओलंपिक शुरू होने से पहले भी पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से बातचीत की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। भारत ने हाल ही में समाप्त हुए इन खेलों में 1 रजत और 5 कांस्य पदक समेत कुल 6 पदक जीते हैं। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत को पहला मेडल शूटिंग में मिला, जब मनु भाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज पर निशाना साधा था।